बिग बॉस सीजन 15 के बाद अब ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस सीजन 15 खत्म होने के बाद एक से बढ़कर एक नए नाम सामने आ रहे हैं उसके अगले शो यानी कि खतरों के खिलाड़ी के लिए। जी हाँ, किन एक्टर्स का नाम सामने आ रहा है चलिए आपको बताती हूँ। खतरों के खिलाड़ी हमेशा ही टॉक ऑफ द टाउन रहता है और ये शो बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहता है, बट रिसेंटली दो बड़े कंटेस्टेंट्स का नाम सामने आया था और वो दो कंटेस्टेंट्स थे प्रतीक सहजपाल और सिम्बा नागपाल। जी हाँ, सिम्बा और प्रतीक का नाम सामने आया था खतरों के खिलाड़ी के लिए, लेकिन अब एक ऐसी लिस्ट सामने आ रही है जिसमें कि काफी सारे नाम है। तो चलिए बिना देरी के ये लिस्ट ऑफ स्पेकुलेशंस आपको बता देते हैं, स्पेकुलेटिंग कंटेस्टेंट्स के नाम आपको बता देते हैं। खतरों के खिलाड़ी अपने 12वें सीजन के साथ आ रहा है और इस बार कंटेस्टेंट्स ऐसा लगता है कि सीजन 11 से, सीजन 12 से, सीजन 13 से, 14 से और 15 से, इन सारे सीजन से मिक्स कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहला नाम जो सामने आया था वो था सिम्बा नागपाल का, फिर प्रतीक सहजपाल का नाम सामने आया, उसके बाद अब राजीव अदातिया का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, राजीव के बाद जो अगला नाम है इस लिस्ट में वो है बिग बॉस सीजन 12 की विनर दीपिका कक्कड़ का। जी हाँ, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम का नाम सामने आ रहा है कि वो जल्द से जल्द आपको नजर आ सकती है कि खतरों के खिलाड़ी में। उसी के साथ आपको बता दूं कि अगला नाम है प्रिंस नरूला का, उसके बाद नाम आ रहा है सीजन 14 की ट्रॉफी जीतने वाली बॉस लेडी रूबीना दिलैक का। उसके बाद इस लिस्ट में और भी कई नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि चाहे वो राजीव अदातिया हो या फिर वो उमर रियाज हो। जी हाँ, उमर रियाज तक का नाम सामने आ रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि रूबीना, दीपिका, प्रतीक, उमर, सिम्बा, प्रिंस, राजीव दादिया, इन सारे नामों में से कौन से नाम फाइनली कंफर्म होते हैं और कौन से नाम हट जाते हैं एंड मोमेंट पर। उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है, सो आपको बस कुछ ही वक्त और इंतजार करना है। कल आप किसे देखना चाहते हैं के 12 में बताइएगा जरूर। बाबा चश्मा भी बाबा सोलो